अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आप सभी को ईद उल अधा की पुरखलुस मुबारकबाद। आज के मौजू का आगाज बेलगाम और बीजापुर के मुख्तलिफ जगहों पर जलजलों के झटकों को महसूस करने से करते हैं। एक तरफ जहां तकरीबन शहरों में बकरीद पर कहां जानवरों को जुबा किया जा रहा है, कौन कहां से जानवर ला रहा है, कहां कुर्बानी का इंतजाम किया है जैसे काम में इंतजामिया और फिरका परस मसरूफ थे, वहीं बेलगाम जिले के कुछ हिस्सों में और बीजापुर के कई इलाकों में जलजले के झटके महसूस किए गए। खासतौर से बेलगाम जिला अथनी तालुका के शिरट्टी गांव में सुबह 6:45 पर हल्के झटके महसूस किए गए, जिससे गाँव में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। हर कोई एक दूसरे को जमीन हिलने की तस्दीक कर रहा था, लिहाजा पूरे गांव में डर का माहौल देखा गया। इंतजामिया और तहसीलदार गांव के जिम्मेदार ने गांव का जायजा लिया। कुछ घरों को दरारें भी देखी गई, सड़क पर भी जलजले के असरात नजर आ रहे थे, लिहाजा गांव में 2 से 5 सेकंड तक जमीन हिलने की बात करते हुए गाँव के लोगों को देखा गया। जलजले के माहिरीन ने भी इस बात की वजाहत करते हुए बेलगाम जिला और बीजापुर में जलजलों की खबर को शाया किया है। 40 से 50 किलोमीटर तक दूरी और 10 किलोमीटर तक गहराई होने की भी बात अर्थक्वेक एक्सपर्ट्स एंड माहिरीन की जानिब से कहा जा रहा है। इसी तरह बीजापुर में भी जलजलों के झटकों को महसूस किया गया। इससे पहले भी बीजापुर और अतराफ के गांव में इस तरह के झटके महसूस किए जा चुके हैं और बारह हक करते भी रहते हैं। पिछले कुछ अरसे से भारत के मुख्तलिफ रियासतों में जलजलों को महसूस किया जा रहा है। अगर पिछले कुछ महीनों की ही बात की जाए तो कोडगु हसन में महज 1 महीने पहले और शिमोगा, बागलकोट, गुलबर्गा, बेंगलोर और भी दीगर हिस्सों में जलजलों के झटकों को महसूस किया गया और दर्ज भी किया गया। आज बेलगाम जिला अथनी में हुए जलजले भले ही 4.4 रिश्टर स्केल के हल्के झटके ही क्यों ना हो, पर आने वाले दिनों में भी इसका खतरा रहेगा ऐसा कहा जा रहा है। इंतजामिया और कुछ आला अफसरान ने किसी तरह डरने की कोई जरूरत नहीं ऐसा कहा तो है, लेकिन आज तक दुनिया में किसी जलजले को रोकने की ना तो मशीन बनी है और ना इसका इल्म किसी को है। कर्नाटक, महाराष्ट्र के साथ कई रियासतों में जलजलों की वारदातें बढ़ती जा रही है। भारत में भी जलजलों की तारीख रही है। अगर महज आजादी के बाद से ही जलजलों का जायजा लिया जाए तो बड़े पैमाने पर बर्बादी के मंजर देखे जाते हैं। 2001 में गुजरात में तारीखी जलजला है जिसमें 10,000 से भी ज्यादा लोग मौत की आगोश में चले गए थे। 1993 का लातूर का जलजला भी बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान का सबब बना। 2015 में जलजले का मरकज भले ही नेपाल था, लेकिन बिहार में इसका असर देखा गया। इसी तरह उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश में भी जलजलों में हजारों इंसानों की जान गंवानी पड़ी। बारिश का कहर हर साल रहता है, ये अलग कुदरती आफत का मुकाबला करने में भी दुनिया की कोई टेक्नोलॉजी अब तक बनी नहीं है। लिहाजा कुदरती आफत, जलजले, बाढ़, पहाड़ों का खिसकना इसके पीछे है। भले कोई अलग अलग अपनी राय पेश करता रहे, इंसान का भी इसमें दखल है। वैसे हर तरक्की भी इंसान को नुकसान की तरफ ले जाती है। फ्रिज बजाहिर हमें ठंडी चीजें फराहम करता है, लेकिन बासी चीजें खाने की एक तरह से आदि होते गए, जैसे सवारियां, एसी और सबसे बड़ा इस दौर का इंकलाब जिसे कहा जाता है, जिसने इंसान की जिंदगी का तवाजन ही बिगाड़ दिया है, वो है मोबाइल। खैर, फिर तरक्की के लिए इंसान कुदरत के साथ भी खिलवाड़ करने लगा। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पहाड़ों को जमीन के तवाजन के लिए यानी बैलेंस के लिए रखा है और कुरान इसकी गवाही देता है, तो इंसान ने इसे तराश कर पहाड़ों से रास्ते बना दिए। दरख्त लगाने की और दरख्तों को न काटने की सख्त हिदायतें हदीस में पाई जाती है, लेकिन हमने जहां भी मौका मिला इसे काट दिया। जाहिर है इसके भी नतीजे इंसान भुगत रहा है। हर तरफ सीमेंट के मकानों का वसी मैदान देखा जा रहा है, हरियाली खत्म होती जा रही है। अब तो समंदर के पानी को भी मीठा पानी बनाकर इंसान अपनी जरूरत को पूरा कर रहा है। बोरवेल के जरिए से जमीन के अंदर के पानी को भी खींच कर इंसान निकाल रहा है। ये तमाम चीजें तो साइंस भी कबूल करता है, लेकिन सबसे बड़ी वजह अगर कुरान हदीस की रोशनी में देखेंगे तो जलजले और कुदरती आफते कसरत से उस वक्त पाओगे जब तुम अखलाकी तौर पर गिर जाओगे। इंसान को अच्छे की दावत और बुरे कामों से रोकने के लिए बना गया है, लेकिन यही इंसान जो अपने आप को ईमान वाला होने का दावा करता तो है, लेकिन तमाम बुराइयों के हुदूद पार करने लगता है तो खुदाए बरहक आसमान से अजाब भी नाजिल करता है। ये बातें भले ही कुछ लोगों को अजीब लगे, लेकिन जिस दौर का हम हिस्सा है वहां देख सकते हैं कि कितनी बुराइयां खुद हमारे अंदर पाई जाती है। बारिश का मौसम जारी है, महज कुछ ही दिनों की बारिश से नदी नाले पुर होते जा रहे हैं। नदी के किनारे घरों को खाली करने का हुक्म इंतजामिया दे रही है। अब मजीद जलजलों का कहर भी एहसास दिला रहा है। कोई महज तसव्वुर करे कि जब दुनिया इतनी तरक्की कर चुकी है तो अब तक किसी सुनामी या जलजले का इलाज क्यों नहीं निकाल पाई।
जाहिर है इतनी तरक्की के बावजूद भी इंसान बेबस है। इसका इल्म सिवाय अल्लाह के किसी को नहीं है। पिछले कुछ ही अरसे में जलजलों के झटके दुगने हो चुके हैं, होने के बाद इसका जायजा लिया जा सकता है, कैसे कहां और कब हुआ बताया जा सकता है, लेकिन कब होने वाला है कोई नहीं बता सकता। लिहाजा इंसान को बुराइयों से बाज आना चाहिए, उन फिरका परस्तों को भी अपने गिरबान में झांक कर देख लेना चाहिए कि तुम किसी को मारने से पहले कहीं आसमान से तुम्हारी मौत का फरमान न जारी हो जाए। तुम किसी एक को मारने की या एक को मारकर माशरे को डराने की साजिश बना रहे हो, कहीं इज्तमाही मौत के फैसले आसमान से ना हो जाए। लिहाजा इंसान को चाहिए कि अपने औकात को पहचाने। बहुत मामूली अख्तदार और अख्तियार दिया गया है, इसका एहसास हल्के झटकों के जरिए शायद आसमान वाला दे रहा हो। जरूरत है इन जलजलों मामूली झटकों से बड़ा सबक हासिल कर अपनी जिंदगियों को बदले। शायद आने वाले दिनों में फिर कोई अच्छा फैसला हमारे हक में आसमान वाला कर सकता है। जरूरत है हमें बदलने की। यही आज का पैगाम। मुंजाने नोड्री 6:21 ಇಲ್ಲಿ ಶಿರಾಟಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಕಂಪನವಾಯಿತು. ಆವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ 4 ಎತ್ತತ್ತು ಹೊರಗೆ ಬಂದರು. ಅವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಮತ್ತೆ ಕೇಳಾಕತ್ತು, ಭೂಕಂಪ ಎಲ್ಲಿ ಆಗೈತತ್ತ? ನಮ್ಗೆ ಅಳಿಯಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗೈತಿ. ನಮ್ಗೆ 1-2 ಮಾತ್ರ ಭೂಕಂಪನ ಆಗೈತಿ. 6:21 ನಾನು ಸರಳವಾಗಿ ಟೈಮ್ ನೋಡಿದ್ದೆ, 6:21 ಬಾಂಡೆ ಬಿದ್ದಿಲ್ರಿ. ಎಲ್ಲ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಅಳಿಯಾಡ್ಲಕ್ತಿದ್ರು, ಬಾಗಿಲುಗಳ ಕಿಟಕಿ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಅಳಿಯಾಡ್ಲಕ್ತಿದ್ರು. ಹಾನಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಪ್ರಾಣ ಹಾನಿಯಾಗಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತದಿಂದ ನಾವು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ನಾನು DYSP ಸಾಹೇಬರು, CPI ಅವರು ಮತ್ತು PSI ಅವರು, ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ ಸೇರಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಭೂಕಂಪ ಲಘು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಯಾರೂ ಆತಂಕಕ್ಕೊಳಗಾಗಬಾರದು, ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗಬಾರದು, ಧೈರ್ಯದಿಂದಿರಿ. ಮತ್ತು ಅಂಥ ಯಾವುದೇ ಭೂಕಂಪ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರವಾಹ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಾಡಳಿತ ಸಣ್ಣ ಸರ್ವಸನ್ನದಾಗಿದೆ, ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸದಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿ. आज बेलगाम शहर में फिर से धुआंधार बारिश हुई, जिससे सड़कों पर और निचली सतह के मोहल्लों में पानी देखा गया। कई जगहों पर पानी की वजह से गाड़ियों की रफ्तार को भी धीमी किया गया, लिहाजा आज की इस बारिश ने कारोबार को भी बाजार में ठप करते हुए देखा गया। आइए इसके कुछ मंजर देखते हैं। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।